मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सनोडिया, न्यू दृष्टि अकेडमी सिवनी। आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिए, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि हमारे पर HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। क्या किया है दोस्तों? HDFC बैंक ने समर स्ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। अब ध्यान देना, ये हमारे यहाँ पर क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के चलते हुए हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगा है, जिसमें से आपने देखा होगा कि मर्चेंट्स मतलब व्यापारी लोग, वेतन भोगी लोग और हमारे यहाँ पर स्वरोजगार लोग, इनको ग्राहकों को क्या करना है, जरूरतमंदों की मदद करना है। हमें क्या करना है दोस्तों? उनकी मदद करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक टर्म आया हुआ है HDFC। तो मैं आपको HDFC के बारे में बताता हूँ। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट, आपने देखो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। अब ध्यान देना दोस्तों कि हमारे पर इसकी स्थापना कब हुई है? तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष CM वासुदेव हैं। कौन है? CM वासुदेव हैं। और इसके प्रबंधक कौन है, अपने प्रबंधक निदेशक कौन है दोस्तों? तो आदित्य पुरी जी हैं। कौन है दोस्तों? आदित्य पुरी जी हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा सीड्स NGO ने, कौन सा? सीड्स NGO ने WHO पुरस्कार जीता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर बोला है ने NGO, मतलब कि सीड्स NGO पुरस्कार WHO ने मतलब क्या पुरस्कार जीता, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या बोला इनने कि विश्व तंबाकू दिवस अभी हमारे यहाँ पर मनाया गया 31 मई, आपने देखा होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो इसमें हमारे पर क्या हुआ, सीड्स ने हमारे पर बिहार एवं झारखंड में तंबाकू को क्या कर दिया है, यहाँ पर रोक लगाया है। इन्हें रोकने में सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए हमारे पास इसे क्या मिला है, ये विश्व तंबाकू अवार्ड इसे भी दिया गया है। और ये कौन देता है दोस्तों? तो आपको पता होगा WHO देता है। और यहाँ पर आया है WHO, तो मैं आपको WHO के बारे में बता देता हूँ। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। आप ध्यान देना दोस्तों, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड टेड्रोस अधानो हैं। कौन है दोस्तों? टेड्रोस अधानो जी हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि केरल ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। क्या किया है दोस्तों? केरल ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमारे पर शुरुआत की है तो क्यों की है। आपने देखा होगा कि आपने पलकप्पम का नाम सुना होगा, इस जिले में आदिवासी गांव को खाद्य सुरक्षा देने के लिए हमारे पर ये शुरू किया गया है। तो पलकप्पम जिले में हमारे पर आदिवासी गांव को खाद्य सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पर केरल के बारे में एक और टर्म आया हुआ था कि क्या था, KFON, ये इंटरनेट सेवा होगी, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं उनको हमारे पर इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और पहला राज्य बन गया है कौन सा? केरल बना है। क्लियर है? तो अब केरल का नाम आया तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के आपको CM कौन है दोस्तों? पिनरई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश ने बहुत सारी योजना शुरू किया है, हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर सामाजिक न्याय कल्याण निर्देशालय के जो सभी कर्मचारी हैं उनने क्या किया है, वृक्षारोपण किया है और सारे वृक्ष का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है। तो आपने देखा होगा ये क्यों माँ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी हमारे पर अटेंशन या फिर जितना भी हमारे यहाँ पर लगाव होता है माँ से होता है, उतना ही लगाव हम क्या करेंगे, वृक्ष से लगाएंगे। तो ये किन्ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ध्यान देना, तो मध्य प्रदेश का नाम आया तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ का कान्हा किसलिए अभ्यारण्य आपको पता क्या है, हमारा राष्ट्र उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान है। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। अब ध्यान देना, तो हमारे पर महिला एशिया कप 2022 का आयोजन भारत करेगा। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले भारत ने कब किया था ये भी पता होना चाहिए। तो 1979 में ये सबसे पहले किया था, मतलब 1979 में सबसे पहले किया था। और हमारे यहाँ पर अब कब करेगा? 2022 में करेगा। तो 2022 में करेगा तो ये भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर ये किया गया तो अभी बहुत दिन बाद से किया गया है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शामिल शीर्ष स्थान पर है? तो कालिया जेनर हैं। कौन है दोस्तों? कालिया जेनर हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कमाई कौन है दोस्तों शीर्ष स्थान पर? तो कालिया जेनर हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको काली जेनर के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये काइली जेनर सबसे शीर्ष में, तो दूसरे स्थान का भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे स्थान में कौन है दोस्तों हमारे पर? कान्ये वेस्ट हैं। कौन है? कान्ये वेस्ट। और तीसरे स्थान पर कौन है? रॉजर फेडर हैं। कौन है? रॉजर फेडर। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर आया था किसका, तो कहने कौन है दोस्तों? काइली जेनर हैं। ये कौन है? एक कॉस्मेटिक ब्रांड की क्या है ये हमारे यहाँ पर ओनर हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए और अब यहाँ पर आया फोर्ब्स का नाम, तो मैं फोर्ब्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो फोर्ब्स की स्थापना हमारे यहाँ पर ये क्या होगा, ये अमेरिका की क्या है? एक प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। क्लियर है? और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सातवां नंबर क्या कह रहा है? डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजीव सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अब ध्यान देना, ये राजीव सिंह जी को नियुक्त किया गया है तो मैं आपको बताता हूँ राजीव सिंह जी कौन है। तो राजीव सिंह जी हमारे पर पहले क्या थे? डीएलएफ के उपाध्यक्ष थे। अब इन्हें क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ध्यान देना, ये हमारे यहाँ पर दिल्ली, इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएलएफ का? तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड है। क्लियर है? और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो चौधरी राघवेंद्र जी हैं। कौन है? चौधरी राघवेंद्र जी हैं। और इसके आपको पता होगा कि हमारे पास इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम न्यू दिल्ली में है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम नेक्स्ट। और CEO भी आपको बताने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो मोहित गुजराल जी हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। अब ध्यान देना, ये 6 जून को मनाया गया तो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषाओं के इतिहास को बढ़ावा देने के लिए हमारे पर ये मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए और आपको पता होगा यहां के एक कवि थे, कवि का नाम क्या था? तो एस पुष्किल का जन्मदिन के दिन पर हमारे पर मनाया जाता है। ये भी आपको बताना चाहिए कौन थे ये, है ना? तो पेरिस कौन थे, ये भी हमारे पर कवि थे। क्लियर है? चलिए और इसे मनाता कौन है दोस्तों? तो UN मनाता है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र मनाता है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, UN की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है हमारे यहाँ पर? UN दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या किया है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है। एक बार और सुनिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है। अब ध्यान दें दोस्तों, ये हमारे पर क्यों लॉन्च किया है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों युवाओं को क्या करें और क्या ना करें, इसके माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्लियर है? चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारे पर एक टर्म आया था इसमें, रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये कौन है दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये हमारे पर आर के सिंह ने आई कमिट,
आई कमिट को लॉन्च की शुरुआत किया है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हमारे पर आई कमिट शुरुआत किया है तो क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या हो कि ऐसी एनर्जी जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, आपने देखा होगा सोलर सेल एनर्जी, तो हमारे इनका बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए हमारे पर ये मनाया गया है। और आर के सिंह जी कौन है दोस्तों, तो ये भी पता होना चाहिए। तो आर के सिंह जी ऊर्जा मंत्री हैं। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।